इंडिया, हमारा देश, हम इतने गर्व से इसे भारत माता कहते। माता, माता यानी एक औरत। लेकिन क्या हम सिर्फ बातों के चैंपियन बन गए हैं? क्या हमारी सोच नहीं है या सिर्फ किताबों में ही? हमारा एटीट्यूड प्रोटेक्टिव है लेकिन सिर्फ हमारे दिमागों में। हम औरतों की इज्जत करते हैं लेकिन इस इज्जत का मजाक बनाने वाले हम खुद हैं। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स या सोशल मीडिया पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट केसेस दर्ज नहीं किए जाते। नॉट वन डे। मेरा नाम है करण टैकर एंड वेलकम टू आवर शो बिंदास हल्ला बोल। ये सिर्फ एक नया शो नहीं, एक नया प्लेटफॉर्म है जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसी आम लड़कियों से जिन्होंने अपनी सेफ्टी, अपनी डिग्निटी के लिए कुछ खास किया। दैट दे डिसाइडेड नॉट टू शट अप बट टू स्टैंड अप। थप्पड़ मारेगी ना, थप्पड़ मारेगी। ईशा एक यंग लड़की जिसके अनलिमिटेड ड्रीम्स थे, और सिर्फ ड्रीम्स ही नहीं बल्कि वो जज्बा भी था उन्हें पूरा करने का। अब एक ऐसी लड़की को अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए या इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो घर वापस सेफ आएगी या नहीं? ईशा को इस बात का जवाब मिला एंड द आंसर वाज नो। ये कहानी है ईशा की, एक ऐसी लड़की जो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी कुछ ऐसे लोगों से जिनके बारे में हमने अक्सर सुना है, द ईव टीजर्स। लेकिन इस हद तक ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। ये कब लाई तू? पापा लेकर आए मिली 97% का गिफ्ट। गुड मॉर्निंग पापा। पापा ये अनफेयर है, इसे सब कुछ क्यों मिलता है? वैसे बाय द वे तेरा कितने परसेंट आए थे? कितना आया इसके? 50%। 50% जितना मिल रहा ना खुश रहे। लीजिए आपका दूध। ईशा ये सब क्या है? तू बस में जा रही है, चल कुर्ता पहन ले। मामा जा, आजकल तो सब्जियां कितनी महंगी होती जा रही है और दूध का भाव पता है कितना हो गया है? मिसेस शर्मा तो कह रही थी कि अब से तो पानी का बिल भी आने वाला है। बेटा तेरे फैशन कॉलेज का रूट देखा मैंने, फरीदाबाद से मेहरोली की डायरेक्ट बस है 9 बजे। जी बाबा। सुनिए आजकल तो न्यूज में कितना कुछ आता रहता है, कभी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ तो कभी किसी के साथ बदतमीजी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, और इसको मेहरोली अकेले भेजोगे? मीना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम भी ना बच्चों की हर जिद पूरी करते हो। मामा मामा मामा, मैं बस में अकेली नहीं जाने वाली, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, और वैसे भी मुझे तो रश आवर में जाना है और शाम से पहले वापस आ जाना है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? तो चुप कर। 97% लाके मेडिकल करने के बजाय फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करी। तेरी मासी भी ना रोज फोन करके नाराज हो रही थी। जरा मम्मी से कहो पराठे लाने के लिए। जी पापा। आप पराठे खाएंगे या ब्रेड खाएंगे? पराठे पराठे। ठीक है जा देखो। मीना ईशा बड़ी हो गई है, उसे जो करना है करने दो। देखा उन डिसीजन। अच्छा मैं निकलता हूँ, अदरवाइज मेरी बस छूट जाएगी। बेटा ठीक 9 बजे बस स्टॉप पहुंच जाएगा, ठीक है? ओके। कॉलेज का फर्स्ट डे, लेट मत होना। बाय पापा। बाय।
अबे थोड़ा आगे हो ना, चढ़ रहा है क्या ऊपर? ए पीछे मुड़ मुड़ के की देख रहे हो? ओ कुछ नहीं, बस एवें ही। ए आजकल दी कुड़ियां भी ना छोटी छोटी स्कल्टा पाके निकल दिया स्कूल विच भी। साडा जमाना ठीक सी, सलवार कमीज जांदे से स्कूल विच। क्या हुआ यार? तो यार कुछ दिखाई नहीं। छड़ना तो फिर आएगी, जाएगी कहाँ? अभी देखना भाभी आ गई वे। हाँ तो कहाँ यार? क्या भाभी, बैग हम उठा दें आपका? क्या बात है, अबे आ गया आ गया। हाय क्या ज्वालामुखी बैठी है यार। कौन सा स्टेशन, कौन सा बस स्टॉप आया यार? लाजपत नगर। यार सीट नहीं है बैठने की यहाँ पर। हटिए भाई साहब, हटिए। कितने चली गुजड़ी। बड़ा गुस्सा है यार। सॉरी सॉरी सॉरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लवली क्लास। मुझे मानना पड़ेगा कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे यंग स्टूडेंट्स ने सोचा कि चलो इस बार हम भी फैशन में अपना योगदान करते हैं। गुड, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन शैल वी। हेलो एवरीवन, आई एम ईशा। मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मुझे 12th में 97% आए थे। लाइक ऑल अदर पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं या फिर डीयू में इंग्लिश ऑनर्स करूं। बट आई चूज फैशन डिजाइनिंग। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहती थी कि आई एम डिफरेंट, पर इसलिए क्योंकि यही मेरा सपना था। मुझे लगता है खुद को एक्सप्रेस करना भी एक आर्ट है और मेरे लिए इसका जरिया है सिर्फ फैशन। क्रिएटिव तो मैं हूँ, शायद थोड़ी सेंसिबल भी, और स्टाइल यहाँ आकर सीखना चाहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। ये इस तरीके की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब एक सिंपल सी चीज को एक अलग नजरिए से, एक अलग ढंग से सोचना, और यही एक चीज है जो हम जैसी टीचर्स को भी मोटिवेट करता है। वेरी वेल सदीशा, वेरी वेल। थैंक यू मैम, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग यू। थैंक यू मैम। ओके गो सिट। हाय। हेलो, आई एम ईशा, आई एम अ फैशन कॉलेज स्टूडेंट। हाउ कूल, आई एम स्वर, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूं। ओके या आप इधर ही रहते हो? फरीदाबाद। ओह ओके। स्वाति यहाँ जाओ ना। ओ भाई साहब जरा देख के चले। चलना यार, चल चुपचाप बैठ। अरे भैया कहाँ पहुंचे? मालूम है किस वजह से गर्मी है? कौन सा परफ्यूम लगाता है यार तू? भैया वहाँ खड़े रहिए प्लीज। कहाँ मैडम कहाँ? अच्छा मैं ये कह रहा था जतिन, हाँ। यार तू रात को कहाँ था? अब ऐसी बात कीजिए ना प्लीज। ओके ओके ओके। हाँ तो जतिन मैं ये कह रहा था कि कल रात को तू कहाँ था? इशारे तो हमारे हर जगह है यार। अच्छा है। यार प्लीज वहाँ जाइए ना, वहाँ जगह है। आपको टच भी नहीं किया है, पीछे क्यों भेज रहे हैं? टिकट हमने भी लिए है यार। किसी तो टच करना भी नहीं आता है सही से। क्या यार कर। अरे भाई साहब थोड़ा साइड होके खड़े हो जाओ यार। क्यों बे, मेरी क्या बहन लगती है? तो अपनी सीट दे देना फिर।
बच्चे भी बहुत हो गए हैं आजकल बस में। क्या कर रही है ये लड़के? समझाओ इन्हें। क्या कर रहा है? छुपने ओढ़िए। ओए 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 ओए। बात न लगा, मुंह से बात कर, मुंह से समझा ना। चल दूर से बात कर, दूर से। बस भी रोकने का, चल बस चल। कहीं रुकेगी बात? हाथ नहीं लगाने का क्या? एक मुंह मत तेरे। चलो चलो गाड़ी के नीचे तुम। एक एक को देख लूंगा, एक एक को। एक एक को देखूंगा, एक एक को। मैडम घबराना मत, बैठिए। Exciting news for you. इस साल के फैशन वीक में एक यंग डिजाइनर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट बेसिस पे हमारे कॉलेज का जो बेस्ट होगा वो और कॉलेजेस के साथ कम्पीट करेगा। सो आई बिलीव दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो मेक श्योर नन ऑफ यू मिस इट एंड गिव योर बेस्ट। विल यू डू इट फॉर मी? दैट्स गुड, दैट्स गुड। I'm really expecting you to be the best. आई बात समझ में? You are my best. तुम दोनों काफी टाइम से इस बस में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो तुम लोग ने कुछ बोला क्यों नहीं? मेरी बेबी की रिसेंटली शादी हुई है और घर वाले सब बोलते हैं कि जॉब करने की क्या जरूरत है, और मैं जॉब छोड़ना ही नहीं चाहती। और गलती से अगर उन्हें ये पता चल गया कि मेरे साथ ये सब होता तो वो मुझे कभी जाने ही नहीं देंगे। दीदी मेरी तो स्कूल बस भी इधर नहीं आती और कोई डायरेक्ट बस है ही नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बस छोड़ दो, पर कंप्लेन तो कर सकते हो ना। किससे करेंगे कंप्लेन? दीदी पुलिस में, और अगर हम तीन साथ में जाएंगे तो मे बी सोल्यूशन मिलेगा हमें। नहीं मैं नहीं जा रही। दीदी वी शुड गो। डेफिनेटली। ज्योति ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, कल थाने से दो हवलदार भिजवा दूंगा मैं। आप अपना नाम पता और घर वालों के सब डिटेल दिखवा दीजिए। यार तुमने तो बोला था ये बात घर तक नहीं जाएगी ना। लेकिन अगर चली भी गई तो प्रॉब्लम क्या है? हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। एक मिनट स्वाति, तुम ज्योति यू राइट, बात घर तक पहुंच गई तो दिक्कत आ जाएगी। कंप्लेन लिखवाने से रिस्क और बढ़ेगा, और मेरे पापा जरूर हेल्प करेंगे पर मामा कॉलेज बंद करवा देंगे। क्या करें? ये सब छोड़ते हैं, प्लीज वापस चल दें। समझो यार, प्लीज वापस चलो। नहीं अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो पुलिस हमारी हेल्प कैसे करेगी? प्लीज चलते हैं यार, प्लीज लेट्स गो। या लेट्स गो। बिना कुछ किए डरना, सेक्सुअल हैरेसमेंट को खुद की गलती समझना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विक्टिम एक्सपीरियंस करते हैं। कहीं ना कहीं विक्टिम का खुद के प्रति एक नेगेटिव अप्रोच हो जाता है। ईशा अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर तो करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं उसके पेरेंट्स उसका फैशन इंस्टीट्यूट जाना बंद ना करें, और ईशा अपने सपनों को टूटने नहीं देना चाहती थी। यहां पर पेरेंट्स और ईशा जैसे विक्टिम्स के लिए एक बात सोचने वाली है कि क्या पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती? पेरेंट्स का फर्ज बनता है
कि वो अपने बच्चों की बातें सुने और बच्चों को पूरा हक है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बातें करें। हेलो हेलो ईशा, कहाँ रह गई तू? मामा बस आ रही हूँ, 10 मिनट दूर हूँ, मेरा ही सौ पगला है। ज्यादा लेट होगी तो मनु को भेजू तुझे लेने। मामा मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं आ जाऊंगी। और सुनो, फिर से भिंडी तो नहीं बनाई? अच्छा तू जल्दी आ जा, सब तैयार है। ओके ठीक है, बस पहुँच रही हूँ मामा, बाय। भी फोन नहीं लग रहा उसका। आपने तो इसे बहुत ढील दे रखी, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप मुझे चुप करा देते हैं। देखिए क्या टाइम हो गया है। मनु बेटा तू जा और जाके बस स्टॉप पे देख। मनु कहीं जाने की जरूरत नहीं, आ जाएगी वो। Oh,
दी ईशा ईशा इतनी देर कहाँ लग गई? मामा वो ये देखिए ना हील टूट गई थी तो लेट हो गई। बेटा तू ठीक है बेटा? हाँ पापा। कॉलेज में हील कौन पहन के जाता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। फैशन भी कोई पढ़ने की चीज है? हाँ और ऊपर से इतना दूर, साइंस कॉलेज तो बाजू में ही है। प्लीज बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं पापा। श्योर? ठीक है जाओ चेंज कर लो। आपने भी ना इस लड़के को मीना तुम भी ना के रखा है सब कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। कुछ बात नहीं तो खाना खाने क्यों नहीं आई फिर? मनु कल से तो मुझे कॉलेज बाइक पे छोड़ने आएगा। दी प्रॉब्लम क्या, क्यों परेशान हो रही? नहीं वो बस में ना बहुत लेट हो जाता है और प्रोजेक्ट्स भी कैरी करने होते तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा कूल, लेकिन एक शर्त है, डिजाइनर बनते ही तेरी जितनी भी मॉडल फ्रेंड्स है ना 5'10" 5'11" वाली सबसे मेरी फ्रेंडशिप कराई। चल हाई फाइव। दी कूल, चल गुड नाइट। अपने फैमिली मेंबर्स की चिंता करना, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना, ये ह्यूमन नेचर है। ये तो खुशनसीबी है ईशा की कि उसका भाई है, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिनके भाई नहीं? क्या उन्हें डर के रहना चाहिए क्योंकि वो अकेली लड़की है? अगर आप होते तो आप क्या करते? सिर्फ अपने परिवार की मदद करते। हर लड़के की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फर्ज है कि वो हर लड़की की हिफाजत करे। सेफ्टी हर इंसान का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बस में ट्रैवल करने जैसी बेसिक चीजों के लिए भी ईशा जैसी लड़कियों को आज भी डरना पड़ता है। मेरे डिजाइन्स ग्लोबल हैं और रिलेटेबल भी, इसीलिए आई कॉल दीज ग्लोबली लोकल। दुनिया के बॉर्डर्स फेड होते जा रहे हैं, पीपल आर कमिंग क्लोजर। हम दुनिया से इंस्पायर्ड हैं और दुनिया हमसे। मेरे सारे डिजाइन ये इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। Absolutely wonderful. Fantastic observation. What a brilliant idea. Students, design is all about innovation. Aur ye uska ek behtareen, a brilliant example hai. Isha, I'm so proud of you. Very well done. Acha ha, is saal ki fashion week mein tum hamare college ko represent karogi. Congratulations and make me proud. Okay guys, so I shall meet you all tomorrow now. Now don't be late. Bye. Take care. दी यार क्या है, ऐसे करोगे ना मैं नहीं आ रहा कल से लेने। फैशन वीक में सबसे यंगेस्ट डिजाइनर तू। पार्टी दी। अरे मनु चलो घर जाके पहले बता दे। चलो जल्दी। अरे मनु रुक जा, जल्दी जल्दी मनु क्या कर। पकड़
हैं? क्या हुआ? प्रॉब्लम। हाँ? गाड़ी पंचर हो गया। एक सेकंड यहाँ पे ध्यान रख बाइक का, मैं लेके आता हूँ कोई मैकेनिक ढूंढ के। सब कुछ तेरे साथ हो गया और तूने एक बार भी हमें नहीं बताया। मीना, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप चुप रहिए। मैंने 10 बार बोला था कि अकेले लड़के को बस में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कौन सुनता है? वो तो मन्नू था, वरना आपके बेटे को तो उठा के ले जाते। और तुझे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? मीना, वो लफंगे लड़के रोज उस बस में लड़के को छेड़ते हैं। अगर ये बेचारी पुलिस स्टेशन चली गई कंप्लेंट लिखवाने तो कुछ गलत थोड़ी ना किया इसने। अगर बात पुलिस तक जाएगी तो पुलिस वाले घर तक आ जाएंगे और ये पूरी बात मोहल्ले तक फैलेगी। नहीं नहीं, किसी को कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, आज से इसका कॉलेज जाना बंद। या तो ये पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स कर ले। बस अब इस बात में कोई बहस नहीं। अरे कोई रिएक्शन ही? चल ठीक है भाई। हेलो, हाय मनु, नाम तो सुना हूँ। अरे यार, कब तक मुंह सड़ा के रखेगी ऐसे? चल कॉफी पिएगी, स्ट्रॉन्ग सी। रो मत, बना के ला रहा हूँ मैं। इव टीजर्स ने अपनी मस्ती और अपनी ईगो के लिए ईशा का सपना तोड़ दिया। ईशा का कॉन्फिडेंस डगमगा गया। वो बेचारी इतनी डरी हुई और इतनी सहमी हुई थी कि उसका खुद पर से भरोसा उठ गया। अब सोचे ना, यही चीज कल को किसी आपके अपने के साथ हो, आपके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के साथ हो, तब आप क्या करेंगे? सेक्सुअल हैरेसमेंट को जितना हम आज रोकेंगे, उतने ही सेफ कल हमारे अपने होंगे। भैया ये लो, ये कुछ फैशन मैगजीन और बुक्स है। भैया ये बहुत महंगी है और इसका रेट सही सही लगाना। जी भाभी। ये तो बिक ही जाएगी। हाँ भाभी। पिछली बार तुमने रेट कम दिया था, इस बार मुझे ज्यादा चाहिए। जी भाभी। हेलो। हेलो ईशा, दिस इज सोनिया तलवार। यस मैम। मैं दिल से चाहती थी कि तुम फैशन वीक में हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो, मगर मेरे बहुत फोर्स करने के बावजूद ना तो तुम कॉलेज आई और ना ही तुमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। ईशा, आई एम सॉरी टू से, मगर हमें ये मौका किसी और को देना पड़ा है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें ये कह सकूं कि यू आर अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, और किसी भी वजह से अपने लाइफ में ये टैलेंट वेस्ट मत करना। I wish you well and take care. Bye, Isha.
लीजिए चाय। कैसी है ईशा? ठीक है। वो ठीक नहीं है मीना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख होता है कि बाप होकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ईशा दी, हाय, कैसे हो आप? स्वाति दीदी, दी आपको पता है आप भी नहीं आते बस में और ज्योति दी भी नहीं आती। क्या हुआ? आपको पता है उस दिन ज्योति दी के साथ क्या हुआ था? वो बस से उतरने ही वाली थी और वो जो गंदे लड़के ना, उन्होंने उनका दुपट्टा छीन लिया था। वो गिरने वाली थी बस से और उनकी हेल्प किसी ने नहीं की थी। और मैं अकेले क्या करती? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो स्कूल जाना ही पड़ता है। तूने रूट चेंज क्यों नहीं किया? मैंने ट्राई किया था, लेकिन जब भी मैं दूसरा रूट लेती थी ना, मैं हमेशा स्कूल लेट पहुंचती थी। और दीदी आपको पता है मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था? जो गंदे लड़के ना, उन्होंने मेरा स्कर्ट खींचा था। कितने चीप है वो लड़के दीदी, और आप ही हमारे लास्ट होप थे, और आपके साथ मुझे कभी डर नहीं लगता था। ये हमारे साथ क्यों होता है कि वो गलत काम करते और हमें पनिशमेंट मिलता है? आई विश कि मैं लड़का होती, ये सब होता ही नहीं मेरे साथ कभी। ईशा, हेलो आंटी। मामा, ये स्वाति है, मेरे साथ बस में आया करती थी। दी मैं चलती हूँ, यू टेक केयर, बाय। You are a very talented. इस साल के फैशन वीक में तुम हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। Really looking forward. आपके साथ मुझे कभी डर नहीं लगता था। Very talented. आप ही हमारे ही लास्ट होप थे। किसी भी वजह से अपने लाइफ में ये टैलेंट वेस्ट मत करना। क्या कह रहे हैं मिसेस शर्मा? मिसेस खन्ना ने कर ली? हेलो, बड़ी बात होगी। मामा, मैं अपनी फ्रेंड साक्षी के घर जाकर आऊं? हां बेटा जा। Negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. भैया, आधा किलो चीनी, वो बिस्किट के पैकेट्स, कंपास, डिओड्रेंट और मिर्ची पाउडर का पैकेट। मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग मेरी मदद करोगे? तीनों लोटरियां निकला था यहाँ तो। क्या बात है जी, क्या बात है, बच्ची है यार। Take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी रहना, समझी? वरना उस दिन ऑटो में तो तुम्हें खाली ट्रेलर दिखाया था, अभी पूरी पिक्चर ही बना दूंगा तुम्हारी।
बस में मेरे पापा होते, ज्योति के हस्बैंड होते या फिर स्वाति का भाई होता तो वो रुकते हैं, आप लोग क्यों रोकेंगे, है ना? पर अब बस, अब जो भी करना है ना हम खुद करेंगे। भाई साहब बस पुलिस स्टेशन लेके चलिए। मैम साहब ये गाड़ी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, जिस रूट पे जाती है उसी रूट पे जाएगी, अगर आपको उतरना है तो आप उतर जाओ। अंकल गाइस ये दोनों रोज बस में हमारे साथ घटिया हरकतें करते हैं, छेड़खानी करते हैं, आप सबको ये पता है, इसने इन्हें नहीं रोका। ऑब्वियसली क्यों रोकेंगे, हम लोग रिलेटेड नहीं है ना। आप अगर इस बस में मेरे पापा होते, ज्योति के हस्बैंड होते या फिर स्वाति का भाई होता तो वो रोकते हैं, आप लोग क्यों रोकेंगे, है ना? सही कह रहे हो तुम, आज इन्होंने आप लोगों को छेड़ा है, कल जाके हमारी बहनों को छेड़ेंगे। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप लोग इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन हम क्यों इग्नोर करेंगे, आज इन दोनों की वजह से मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, ज्योति को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और स्वाति उसके पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं पूछती हूँ कब तक हम यूं ऑप्शन ढूंढते रहेंगे। एक बात मैंने आज रियलाइज कर ली, कोई गलत का साथ भले ही ना दे पर गलत के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाता। पर अब बस, अब जो भी करना है ना हम खुद करेंगे। आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ आधा घंटा हमें दे दीजिए ताकि हम खुद इन लोगों को सबक सिखा सके। मैं समझ सकता। आप चुप रहो जी, आप बैठ जाओ, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि दूसरों के पक्षों में मत पड़ो, आप बैठ जाओ। अरे बस बस बस, बहुत चुप रह लिए, बच्ची सही कह रही है, कल को अगर हमारी बेटी होती तो उसकी कोई मदद ना करता तो? बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों आज हमें इन दोनों को सबक सिखाना है। ड्राइवर भैया पुलिस स्टेशन लेकर चलो, चलो। सॉरी मैडम, शाबाश बेटी, जीते हो, गॉड ब्लेस यू। मामा आज पराठे के साथ मक्खन भी देना, बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है। देखिए क्या भाई, ऐसा क्या हो गया आज? हाँ बोलो, मैं दिखा क्या है? कहा था ना मैंने अपने आप को अच्छे से संभाल सकती है, शेर है हमारी बच्ची। एक बेटी एक बहन, एक ड्रीमर और अब एक हीरो, ये बदलाव हुआ ईशा में। ईशा, she decided to be for change। जिस फैमिली से वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात छुपा रही थी, आज उसी फैमिली को उस पर नाज है। यू नो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ मैन और अ वुमन, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद की ताकत को ढूंढ निकालना, यही एक हीरो की पहचान होती। आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का सिंबल है। वी वुड लाइक टू वेलकम ऑन आवर शो Kanna. Thank you, Karan. I think I'd like to give an example of my sister, who's very strong and very, very inspiring woman. She had this guy who threw acid on her just before her marriage, on her face, and she decided to take charge. And she recovered. She single-handedly took care of my career, and she's happily married for past 3 years. I think जैसे कि ईशा के केस में उसने डिसीजन लिया उसको फाइट बैक करने का, और जिस तरीके से उसने फाइट बैक किया इज रियली नाइस, एंड एट सम पॉइंट एवरी वन हैज टू डू दैट। कंगना, जो हमारे व्यूअर्स हैं खास करके जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड? आजकल ये बहुत हो गया है कि लोग आपस में जो फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं अपनी ऑनलाइन डिटेल्स या जो भी एक क्राउडेड प्लेस में, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके आसपास और भी बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उनकी कोई भी जो डिटेल्स हैं हो सकता है वो कोई ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो कि किसी तरह से उनको हार्म कर सकता है। तो अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। राइट,
Kangana, we know that you have a film which is up for release, Queen. Yes. Do you want to tell the audience something about it? Queen is such a film that will obviously spread light, and जैसे इस लड़की की कहानी है जिसका भी किसी level पर शोषण किया जाता है, and then how she explores and her journey from a girl who doesn't have confidence, who can't speak up, to a complete woman who takes responsibility not only for herself but of everything around. Oh, Kangana, thank you so much for coming on the show, sharing your inspirational stories from your thank personal you. life, and somewhere creating an impact on our audience. We would like to wish you all the best for Queen. Thank you. And thank you so much. Thank you. Eve teasing ko control karne ke liye Indian Penal Code ke तहत Eve teaser ko 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. Men are because of women. ये सुनने में तो सिर्फ एक डायलॉग लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई ना तो कभी बदली है और ना ही कभी बदलेगी. सोचिए ना, औरतों को अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना ही क्यों पड़े? चेंज तो तब आएगा जब मर्द अपनी सोच बदलेंगे. हम फिर वापस आएंगे एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी ही लड़की की जो हमारे लिए एक मिसाल बन के रहेगी. तब तक के लिए चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत.